अभिषेक और मामा गोविंदा के बीच तनाव की खबरें हर किसी को मालूम हैं। मामा और भांजा किस तरह एक दूसरे के दुश्मन बन गए हैं हर कोई जानता है, लेकिन अब इन सब के बीच अभिनेता गोविंदा के घर से बड़ी खबर आ गई है। और वो बड़ी खबर ये है कि उनकी पत्नी सुनीता तीसरे बच्चे की माँ बन गई हैं। क्या है पूरा माजरा, चलिए आपको बताते हैं। आपको बता दें, हाल ही में गोविंदा के दूसरे भांजे विनय ने मामी सुनीता को अपनी माँ कह दिया है। जी हाँ, गोविंदा के दूसरे भांजे विनय ने कहा, सुनीता मामी मेरी माँ की तरह है। मेरे दिल में मामी सुनीता के लिए माँ जैसा सम्मान है। अब मामी सुनीता को भांजे ने जो माँ कहा है, इस खुशखबरी पर गोविंदा की पत्नी सुनीता ने कहा, अच्छी बात है कि विनय को ये याद है हमने उसके लिए क्या किया। मैं कृष्णा आरती सिंह समेत सभी बच्चों की देखभाल करती थी। ससुराल में मैं अकेली महिला थी जिसे ये बच्चे अपनी माँ के तौर पर देख सकते थे। गोविंदा ने विनय के साथ कुछ फिल्में भी की हैं। मुझे अभी भी याद है कि कैसे ये बच्चे हॉल में एक साथ खेलते। मेरी 18 साल की उम्र में शादी हो गई। 19 साल की उम्र में एक बेटी का जन्म हुआ। मैं खुद बहुत कम उम्र की थी जब मैंने इन्हें पाला। मुझे खुशी है कि उनमें से कम एक को एहसास हुआ कि मैं उनकी माँ जैसी हूँ। हमें उनसे पैसा या कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन हम प्यार और सम्मान मांग सकते हैं। अगर आप सम्मान नहीं दे सकते तो आपको रखने का कोई मतलब नहीं है। विनय की बातों से मैं बेहद खुश हूँ। हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। भगवान आपको और आपके परिवार को ढेर सारा आशीर्वाद दे। एक तरफ कृष्णा अभिषेक और मामी सुनीता के बीच के रिश्ते काफ़ी ज़्यादा बिगड़ चुके हैं, और वहाँ दूसरी तरफ विनय आनंद ने गोविंदा की पत्नी सुनीता को अपनी माँ का दर्जा दे दिया है। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।